वेक्टर में दो टाइप के प्रोडक्ट बताए थे, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आप ये चाहते हैं कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई हों और आंसर स्केलर ना आए, आंसर वेक्टर आए, तो आप क्या यूज़ करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में मान लो आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, तो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस नी साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता था ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए बी साइन थीटा। लेकिन रुको अभी, क्योंकि स्केलर स्केलर स्केलर, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए? वेक्टर। अब मान लो आपका आंसर आता है, जो भी आंसर आता है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो पीछे क्या लग जाएगा? आई कैप। अगर मान लो आंसर आता है अलोंग वाई एक्सिस, तो पीछे क्या लगेगा? जे कैप। और जेड एक्सिस के पीछे क्या लगेगा? अब मुझे तो पता नहीं आंसर क्या आएगा, तो इन जनरल क्या लगा दिया? एन कैप। एन कैप क्वेश्चन में देखेंगे क्या आएगा, पर कुछ तो कैप होगा जो इसकी डायरेक्शन बताएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है, जैसे वेक्टर बना रहे क्या है, इसको लगाना कैसे है। सपोज करो आई जे के तीन वेक्टर्स हैं, आपको आई क्रॉस जे निकालना है। आई क्रॉस जे, ध्यान से देखना, आई क्रॉस जे में मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज वन इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप इज इक्वल टू वॉट? 90। आई और जे में चेक करो एंगल कितना है? 90। तो यहां पर क्या आएगा? 90। लेकिन रुको अभी फिर से, क्योंकि ये वन है, ये वन है, ये भी वन है, पीछे एन कैप तो लगाना पड़ेगा। एन कैप लगाने का तरीका ध्यान से देख लो, आपने अपना राइट हैंड लेना है और राइट हैंड में आपने चार फिंगर को, क्योंकि आई क्रॉस जे करना है, अपने कॉपी में आई के ऊपर चार फिंगर रखें, जे तक लेके जाएं, क्योंकि आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे। तो आपका थंब कहाँ रहे? बाहर। बाहर का मतलब है कौन सा कैप है? जेड एक्सिस, जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है, यानी कि के कैप है। थंब आपको एन कैप बताएगा। फिर देखें, चार फिंगर आई कैप, आई क्रॉस क्या करना है? जे। आई क्रॉस जे, थंब बाहर, बाहर का मतलब के कैप। इसको और बेटर समझना है तो ऐसे कर लो, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है, ऐसे आपकी तरफ जो आ रहा है वो आपका z एक्सिस है, राइट? I क्रॉस j, ये चार फिंगर I पे, क्रॉस j, थंब इसकी तरफ आ रहा है, यानी कि k कैप है। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो पीछे k कैप है। नेक्स्ट है j क्रॉस k। अब j क्रॉस k में क्या होगा? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ये जे है और ये के है, चार फिंगर जे, जे क्रॉस के, जे ऊपर क्रॉस के, थंब कहाँ आएगा? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब कौन सा कैप है? आई कैप है। तो क्या आएगा यहां पर? आई कैप है। कोई स्टूडेंट आया, वो कहता है यार ये क्या बात बनी, ये तो बिल्कुल सिंपल है। मैंने कहा कैसे? कहता मिसिंग वेक्टर लगा दो। कैसे? आई है जे है तो के लगा दो। हाँ लगा दो, ठीक है, जे है के है, क्या मिसिंग है? आई, तो आई लगा दो। फिर के और आई क्या आएगा? चलो प्रूफ भी कर देते हैं, ऐसे नहीं है। तो ये देखो कैसे, ये के है, मतलब आपको क्या करना है? के क्रॉस आई, के ऊपर, के इस तरफ है, के, आई कहां पर है? इस तरफ है, तो के क्रॉस आई, थंब कहां पर आएगा? ऊपर। ऊपर का मतलब कौन सा कैप है? जे कैप है। कोई डाउट इसमें? तो आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा चलो उल्टा बताओ, I क्रॉस J की जगह अगर J क्रॉस I करना है, फिर से एक बार J क्रॉस I, तो ये रहा J, ये रहा I, चार फिंगर J से स्टार्ट होंगी और क्रॉस क्या करेंगी? I। थंब कहाँ होगा? इस तरफ। कौन सा कैप है? माइनस K कैप। अगर ये K कैप है तो ये माइनस K कैप है। कोई डाउट इसमें? तो इसका मतलब आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई एक आंसर कभी भी नहीं देंगे। अगर आई क्रॉस जे के देगा तो जे क्रॉस आई माइनस के देगा। अच्छा अगर आई क्रॉस आई करें तो वन इंटू साइन ऑफ जीरो, एक एंगल का खुद के साथ एंगल तो जीरो है, साइन जीरो तो जीरो होता है, तो आंसर जीरो। जे क्रॉस जे भी जीरो, के क्रॉस के भी जीरो। क्या स्टेप क्लियर है? फिर कई स्टूडेंट कहते हैं तो बहुत मुश्किल काम है यार, ये तो यार कॉम्प्लिकेटेड, डॉट ठीक था, डॉट आई को आई के साथ जे को जे, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इतना नहीं है, शॉर्टकट है।
अगर आप ये रूल नहीं यूज करना चाहते तो ऐसा करें, आई जे के लाइन में लिख लें आई क्रॉस जे, इधर ध्यान से आई क्रॉस जे विल गिव के, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जे क्रॉस के विल गिव आई, के क्रॉस आई विल गिव, लो लिख जाती फॉर्मूले, कोई थंब रूल नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, ये ज़्यादा सही है, ठीक है यहाँ तक। और अगर किसी ने ऑर्डर चेंज किया आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई, तो आंसर माइनस के, के क्रॉस जे की जगह माइनस आई, आई क्रॉस के की जगह माइनस जे। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? तो पहले आप एक फॉर्मूला लिखो अपने फॉर्मूला बुकलेट में, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, ठीक, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, फिर उसके बाद ये शॉर्टकट, ये छह फॉर्मूलाज, ये वाले छह फॉर्मूलाज, ये वाले, आएगा वो इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे डॉट प्रोडक्ट वैसे क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे? ए वेक्टर देगा, बी वेक्टर देगा, कहेगा जी ए क्रॉस बी निकाल दो, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, मैं ए निकाल लूँ, फिर मैं बी निकाल लूँ, फिर साइन थीटा निकाल लूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं ए बी साइन थीटा यूज ही नहीं करूँगा, मैं ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्रॉस बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, पुट कर दिया। अब मैं सारी टर्म्स को ओपन करूंगा, ध्यान से देखना, आई कैप को तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑर्डर चेंज ही करना गलती से भी, कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, टू बाहर आ गया आई क्रॉस आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस बाहर आ गया आई क्रॉस जे, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, टू बाहर आ गया आई क्रॉस के, फिर जे को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो टू इंटू जे क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, जे क्रॉस के, ओपन करता जाऊंगा, ये आंसर आ गया, नौ टर्म्स आएंगी। फिर फॉर्मूला के लिस्ट देखूंगा जिसमें आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस के माइनस जे, पुट करूंगा फिर आंसर निकालूंगा। डॉट प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर था, क्रॉस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पहले फॉर्मूले के लिस्ट लेके बैठ जाओ, फिर ऑर्डर भी चेंज नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगी, फिर आंसर आएगा। समझ में आ रहा है करना कैसे है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये तो कौन ही करेगा यार, पहले फॉर्मूले याद करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट का एक ऐसा फॉर्मूला तरीका बताता हूँ जिसमें कोई फॉर्मूला चाहिए ही नहीं है, बस सीधा आंसर आएगा। ये मेथड देखेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। आपको ए वेक्टर बी वेक्टर सेम क्वेश्चन है, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया होगा आपको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, आप एक मैट्रिक्स बना लें ऐसा, इसके हेडिंग में लिखें आई कैप माइनस जे कैप एंड के कैप,
माइनस जे की, माइनस जे की पोजीशन है आई कैप माइनस जे के, हर क्वेश्चन में ये लिखना ही लिखना है। अब ये क्यों ऐसा माइनस होता है, ये मैथ्स के टीचर आपको करवाएंगे जब प्लस टू स्टार्ट होगी, उसमें करवाते हैं। अब ये मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैथ्स नहीं करवाना, बस स्टैंडर्ड है आई माइनस जे के। फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो पहले ए वेक्टर लिखें, ए वेक्टर के आई जे के कोफिशेंट बोले क्या है, वन 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 लिख दें। फिर बी वेक्टर के आई जे के कोफिशेंट क्या है, टू माइनस वन टू लिख दें। अगर ये माइनस जे है तो माइनस वन आएगा, हाँ वो ऐसी है, वो ऐसी होगा आएगा, जो भी आएगा वो सही आंसर देगा, सही आंसर देगा। आपको बिल्कुल नहीं सोचना ये स्टैंडर्ड है, ये चेंज ही नहीं होएगा जो मर्जी क्वेश्चन हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोफिशिएंट लिख लिए, बहुत ध्यान से देखना क्या करने वाला हूं मैं। स्टार्ट विद आई कैप, शुरू करेंगे आई कैप से, सबसे पहले लिखें आई कैप, लिख लिया। उसके आगे क्या टर्म आएगी इंपॉर्टेंट है, आई कैप के नीचे और साइड पे जो भी है आपको बिल्कुल नहीं देखना, आपको चार नंबर दिखेंगे, एक दो तीन और चार दिख रहे हैं, चार नंबर्स के लेफ्ट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट यहां से पहले नंबर से, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है वन इंटू टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है वन इंटू माइनस वन, और दोनों टर्म को माइनस कर लेना है, माइनस ही करना है। मैं रिपीट करता हूं, आई कैप लिखें, आई कैप के नीचे के नंबर को नहीं देखना, चार नंबर दिखेंगे यहां से स्टार्ट करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को माइनस कर देना है। फिर उसके बाद किसकी बारी आएगी, माइनस जे की, माइनस जे एज इट इज, ये नहीं देखना ये भी नहीं देखना। अब चार नंबर फिर देखेंगे, जे के नीचे नहीं देखना, यहां से शुरू करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को माइनस कर देना है। फिर लास्ट है के कैप, के कैप लिख दिया, ये छोड़ दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और फिर दोनों को माइनस करना है। सिंप्लीफाई कर लें, आंसर वही आएगा जो वो नौ टर्म्स खोल के मारा बनाया था आपने, इससे आसान क्या होगा, कोई फॉर्मूला चाहिए ही नहीं, एक भी फॉर्मूला नहीं लगा, बस सीधा मैट्रिक्स बनाया सॉल्व कर दिया। तो समझ में आया कैसे सोचना है इसे, ठीक, ये क्वेश्चन आपने करना है। अभी ट्राई करें ऊपर वाले को देख के कैसे किया, आई कैप माइनस जे कैप और के कैप, पहले इसका एक मैट्रिक्स बना लें। तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, स्टार्ट यहीं से करना है, आए माइनस जे एंड के, फिर ए वेक्टर का कोफिशेंट टू माइनस थ्री एंड फोर, और उसी तरीके से बी वेक्टर का कोफिशेंट वन फाइव एंड माइनस सिक्स, ऐसे। और स्टार्ट करें, ट्राई करें, आई कैप से स्टार्ट करें। आई कैप इंटू, ये चार नंबर दिखेंगे आपको, एक दो तीन और चार, लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स से, फिर फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से। क्या ये स्टेप सबने लिखा ऐसे, माइनस थ्री एंड माइनस सिक्स, राइट, माइनस थ्री इंटू माइनस सिक्स फाइव, हाँ ठीक है, राइट, ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद किसकी टर्म है, माइनस जे कैप है, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप के नीचे नंबर छोड़ दें, तो एक दो तीन और चार,
तो 2 × −6 होगा, 4 × 1 होगा, क्या है सबने लिखा? ठीक है यहां तक ऐसे ही है। फिर नेक्स्ट प्लस के कैप होगा, प्लस के कैप के नीचे के नंबर छोड़ दें, 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि 2 × 5 −−3 × 1, क्या स्टेप क्लियर है? ठीक है यहां तक। तो यहां पर के कैप 2 × 5, 2 × 5 −1 × −3, ऐसे किया, क्या आंसर आ रहा है? माइनस टू आई कैप, 16 जे कैप, 13 के कैप। तो मतलब बिना फॉर्मूले याद किए सीधा आंसर है, सबसे बढ़िया तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे? तो आप इसी मेथड को फॉलो करें, सबसे बेस्ट तरीका है वो। मेथड नंबर 1 तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, पर ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है यहाँ तक निकालना आ गया। और कभी कभी ये भी बोल देता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकालें, तो पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा, फिर इसका मॉड, यानी कि अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर और के वो अगर इफ नीडेड अगर पूछा हो तो। तो मेरे ख्याल से इस शीट में जो भी हम कर रहे हैं उसके अंदर ये क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर है। अब क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ ना प्रॉपर्टीज हैं, जैसे डॉट की थी, न्यूमेरिकल कैसे आएगा, बस ऐसा आएगा जो बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन है कि अगर मान लो आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है और एंगल उनके बीच में कितना गिवन है, थीटा, ये गिवन है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप इसमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दें। चलो ड्रॉ कर दिया, ए वेक्टर के पैरेलल ए वेक्टर, बी वेक्टर के पैरेलल बी वेक्टर, कर दिया ड्रॉ। अगर ये साइड बी है और अगर ये थीटा है तो ये साइड क्या होगी? बी साइन थीटा। ठीक है, तो क्योंकि साइन थीटा इज एक्स अपॉन बी, तो एक्स इज बी साइन थीटा। अगर मैं कहूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लो, तो क्या होगा? बेस, बेस का, बेस की साइड क्या है? ए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन साइड्स के बीच में कितना है? बी साइन थीटा। तो क्या होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? ए इंटू बी साइन थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ए इंटू बी साइन थीटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है इस केस में। तो रूल ये कहता है कि अगर आपको, अगर आप ए क्रॉस बी निकाल लें, अगर आप किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दें, मैग्नीट्यूड का मतलब एन कैप को छोड़ दें, डायरेक्शन छोड़ दें, तो इट विल गिव एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। कैसे? क्योंकि अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है तो ए बी साइन थीटा एन कैप का मॉड है, एन कैप का मॉड क्या होता है? 1, मैग्नीट्यूड 1 है, तो क्या बचेगा? ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा रिप्रेजेंट एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको वो ए वेक्टर देगा, आपको बी वेक्टर भी देगा, दो वेक्टर देगा, वो कहेगा ए वेक्टर बी वेक्टर रिप्रेजेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, आप इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल दें। तो आप सिंपल ये काम करें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल दें पहले। तो आपने मान लो ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, ए क्रॉस बी निकाल के मान लो ये आंसर आ गया, इसका मॉडुलस ले लें। मॉड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड ले लें, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट और के कोफिशियंट का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो जो भी आप मॉड लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे ए क्रॉस बी का √35, यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। समझ में आ रहा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे करनी है इसमें? दिस रिप्रेजेंट एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। जैसे अगली प्रॉपर्टी है, वेक्टर में सीक्वेंस मैटर करता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बिल्कुल भी सेम नहीं है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में माइनस का फर्क है ही है। जैसे आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे क्या होता था? के। जे क्रॉस आई क्या होता था? माइनस के। तो आंसर, तो मैं ऐसा यूज कर सकता हूं किसी भी न्यूमेरिकल में, इंस्टेड ऑफ ए क्रॉस बी मैं माइनस बी क्रॉस ए यूज कर सकता हूं, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, मतलब दो वेक्टर के बीच में या तो एंगल 0 है या 180 है, कुछ भी, तो क्रॉस प्रोडक्ट हर हालत में 0 ही रहेगा, क्योंकि ए बी साइन 0, अगर एंगल 0 है, ए बी साइन 0 भी 0 होता है, और ए बी साइन 180, बता दूं साइन 180 भी 0 होता है, तो हर हालत में क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही रहेगा। तो नॉर्मली आपको दो वेक्टर गिवन होंगे,
वो कहेगा प्रूव करो ये दो वेक्टर में एंगल जीरो है, या प्रूव करो दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो तुम उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, अगर जीरो आ जाए तो वो पैरेलल है। तो एक बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन हो गया, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं प्रूव करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दें, और अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल प्रूव करना है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कर दें। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो रूल याद रहेगा, अगर दो वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन आई कैप जे कैप में और परपेंडिकुलर शो करना है तो उनका क्या चेक करेंगे, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, और अगर पैरेलल चेक करना है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। सही है। नेक्स्ट है, वेक्टर का प्रोडक्ट अपने साथ ही अगर लिया जाए ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन अ वेक्टर एंड इटसेल्फ इज जीरो, आंसर इज जीरो, आंसर जीरो आएगा। ठीक है, क्या इसको तो क्या ही याद करना, पता ही है जीरो आएगा। जैसे आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, ए क्रॉस ए जीरो, बी क्रॉस बी जीरो। नेक्स्ट है, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं और उसका मॉड लें हम ए क्रॉस बी का, परपेंडिकुलर का मतलब साइन ऑफ क्या आएगा 90, एन कैप तो छोड़ देना, मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इज 1, यूनिट वेक्टर है, तो साइन 90 आंसर सिर्फ क्या आएगा ए बी। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, पता ही है साइन 90 में साइन 91 हो जाएगा, आंसर ए बी आएगा। अगर आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही बात है, टॉर्क का दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे अगर वर्क डन निकालना था तो एफ डॉट एस, और अगर टॉर्क निकालना है तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हम रोटेशनल मोशन में करने वाले हैं, आर का मतलब रेडियस वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और एफ का मतलब फोर्स वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा तो टॉर्क वेक्टर आएगा, कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है बहुत ज़्यादा, कैलकुलेटिंग अ यूनिट वेक्टर। तो मैं यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूँ, चलो किसका, ए वेक्टर का, बी वेक्टर का, ना वो कह रहा है एक वेक्टर का विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों। एक चीज याद रखना, अगर आपके पास कोई ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, और आप मान लो ए क्रॉस बी करते हैं, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, आप ए क्रॉस बी करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल चार फिंगर ए से बी जाएगा, और जो नया वेक्टर आएगा वो इन दोनों साइड के परपेंडिकुलर होगा। कोई डाउट इसमें? ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, और जो नया वेक्टर होगा क्रॉस प्रोडक्ट से वो ए के बी और बी के बी 90 डिग्री पे होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यानी कि जब भी वो क्वेश्चन में कहे कि आपको ए वेक्टर देगा आपको बी वेक्टर देगा, आपको कहेगा मुझे एक ऐसा नया वेक्टर दो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ दोनों के साथ ही 90 डिग्री एंगल बनाए, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। तो जब आप ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, मैंने किया नहीं, मैट्रिक्स बना के लेना पड़ेगा आई माइनस जे करके, तो आंसर ये आएगा, ये जो वेक्टर होगा वो इसके साथ भी 90 डिग्री पे होगा और वो इसके साथ भी 90 डिग्री पे होगा, ये पक्का 100% पक्की बात है। तो जब भी कोई वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना होगा ए और बी के, तो ए क्रॉस बी कर देना। अब वो कह रहा है जी एक यूनिट वेक्टर लेना है, किसका यूनिट वेक्टर लेना है, एक ऐसे वेक्टर का जो कि परपेंडिकुलर है ए और बी के साथ, ये वो वेक्टर है जो ए और बी के साथ 90 डिग्री पे है, तो इसका यूनिट वेक्टर ले लेना, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड आंसर आ जाएगा। तो यानी कि पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेके नया वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है कि कैसे सोचना है इसमें? ठीक है यहाँ तक। तो एक शीट थी, शीट नंबर 17 इसलिए क्योंकि कुछ मिसिंग क्वेश्चन थे इसमें, जैसे 17 शीट में क्वेश्चन नंबर 1, तो फिफ्थ का डी पार्ट था, ये होमवर्क है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आपने, ये आपने होमवर्क करना है। नेक्स्ट है जैसे 6th क्वेश्चन, शो दैट दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो क्या चेक करें इनका डॉट प्रोडक्ट और क्या आना चाहिए, जीरो करें, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें और चेक करें क्या इसका आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्रॉस प्रोडक्ट लें, इसका आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्रॉस प्रोडक्ट लें
जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार चेक करें। परपेंडिकुलर में डॉट है और पैरेलल में क्रॉस है, ये पैरेलल है तो क्रॉस है। तो इसमें आई माइनस जे के, ए वेक्टर के कोफिशिएंट, बी वेक्टर के कोफिशिएंट, चेक करें प्लीज, जीरो आ रहा है तो यानी कि पैरेलल है। तीनों का जीरो आ रहा है, क्या किया आई कैप, ये देखो आई कैप और फिर माइनस थ्री इंटू माइनस ट्वेल्व, फोर इंटू नाइन, ये रहा, तो ये वैसे ही जीरो की तरफ जा रहा है। फिर माइनस जे कैप, फिर प्लस के कैप, सॉल्व करें आंसर क्या आ रहा है, जीरो। इसका मतलब ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, इस शीट के जो मिसिंग क्वेश्चंस हैं जो हमने छोड़ते गए थे हम, जैसे ये भी है, ये देखना, कैलकुलेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। एक बात बताओ, क्या ये सही लिखा है? मैंने वेक्टर का स्क्वायर लिखा है। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन में ये सही है? नहीं, ये मॉड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वेरी करेक्ट है, होना चाहिए मॉड कि नहीं? सर करेक्ट है, ये नहीं होना चाहिए मॉड, ये करेक्ट है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, अंदर से खोलोगे तो नंबर ही तो आएगा स्केलर, ए बी कॉस थीटा, वो कौन सा वेक्टर छुपा हुआ उसके अंदर, तो खोल लो ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर, करेक्ट है। पर यहाँ पर करेक्ट नहीं है, यहाँ पर मॉड होना चाहिए क्योंकि एन कैप को छुपाना है उसको, तो ए बी साइन थीटा, ये वो क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 है, डबल मॉड है, नहीं नहीं सिंगल मॉड, सिंगल मोड है। चलो अगर डबल मोड दे भी दिया, माइनस टू का मोड क्या है, तो टू का मोड क्या है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वैसे होता नहीं डबल मोड, कुछ नहीं है, सिंगल मोड ही है। तो ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। तो एक तो इस असाइनमेंट का एक क्वेश्चन को छोड़ के जिसमें डायरेक्शन को साइंस है, कौन सा क्वेश्चन है वो, इलेवेंथ, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन नहीं होगा डायरेक्शन को साइंस, आपने सारा करना है। और एक शीट नंबर 19, शीट नंबर 19, हाँ नहीं 19 के बाद भी तो है एक स्विच, 19 तो लास्ट टाइम दी थी, हाँ शीट नंबर 20 शीट के 19 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्रॉस प्रोडक्ट पे हैं, 19 शीट तो पक्का ही करके आनी है सबने नेक्स्ट टाइम, तो मैं 18 और 19 के डाउट्स नेक्स्ट टाइम लूँगा, इसको क्लोज करना है हमने। डॉट प्रोडक्ट का टेस्ट है आपका नेक्स्ट टाइम, तो जो भी हमने ये शीट की आज के जो न्यूमेरिकल्स किए दोनों शीट्स के, ये अच्छे से रिवाइज करके आना, इसमें से वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन चेक करवाने हैं मुझे। हाँ जी,